तो वो ही हरा सड़ा हुआ पालक जो पीछे से आता और गैस छोड़ जाता है और हम मासूमों को अमर कर देता है। तो आज उस हरे पालक की चटनी बनाने का नंबर आया है। हाँ, यानि कि हम बनाने वाले हैं एक सुपर क्रीपर फार्म। तो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी? आप सभी देख रहे हो मुनाफ गेमर और आज की इस वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक, जिसके अंदर हम बनाएंगे एक सुपर अनलिमिटेड गन पाउडर फार्म। और दोस्तों, अब जो है हमारा वन ब्लॉक जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है और अब जो है हम एक और आइलैंड बनाएंगे, यानी कि थोड़ा सा लैंड और बनाएंगे जिसके ऊपर हम एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्रीपर फार्म बना पाएंगे। और दोस्तों, मैं जानता हूँ कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही है क्योंकि बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और मैं काम चोर हूँ। तो दोस्तों, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या फिर जो भी नया बंदा आया है वो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो जल्दी से बनाते हैं एक आइलैंड और उसके ऊपर क्रीपर फार्म बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा बेस जो है बन के तैयार हो चुका है। इसे भी हमने सेम सर्कल शेप का बनाया है, जितने भी हमने दो और बनाए थे वो भी हमने सेम साइज़ के बनाए थे और ये भी हमने बिल्कुल सेम साइज़ का बनाया है। और ऐसे ही ऐसे करके चाहे हम छोटी सी चीज़ बनाए, हम सेम साइज़ लेंगे सभी चीज़ का। और दोस्तों, बेस हमने बना दिया है और अब जल्दी से शुरू करते हैं मेन बिल्ड का। दोस्तों, कलेक्टिंग सिस्टम जो है हमने वो बना दिया है, उसको मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो बिल्कुल सबकी तरह सेम रहता है। आप चाहे कितना ही बड़ा बना सकते हो या कितना ही छोटा बना सकते हो। मैंने कलेक्टिंग सिस्टम बड़ा बनाया है क्योंकि मुझे इसे काफ़ी ज़्यादा आगे तक ले जाना है, क्योंकि मुझे इस फार्म को तोड़ना नहीं है जल्दी से। आप चाहे तो कितना ही बड़ा बना सकते हैं, लेकिन इससे जो आगे जितना भी बिल्ड होने वाला है सब बराबर होने वाला है। अब हमें होपर्स की एक एक आउटलाइन कर देनी है कोबलस्टोन से और उसे टू ब्लॉक्स ऊपर तक ले जाना है, जिससे जो है क्रीपर्स या फिर जो भी मॉब्स आएंगे, क्रीपर्स और स्पाइडर आएंगे, वो वापस नहीं निकल पाए। दोस्तों, आउटलाइन पूरी होने के बाद हमें स्लैब ले लेना है और उसे सेवन ब्लॉक पीछे तक ले जाना है। ऐसे ही करके हमें चारों तरफ सेवन सेवन ब्लॉक लगा देने हैं स्लैब्स के, और उस जितना भी एरिया आएगा सेवन ब्लॉक के अंदर पूरा का पूरा डिब्बा जो बन के आएगा उसे हमें पूरा फिल कर देना है स्लैब के जरिए से। दोस्तों, मैं फिल करता हूँ और आप भी फिल करो। दोस्तों, हमारा जो एरिया है वो बन के तैयार हो चुका है। अब जो है हमें एक और चीज़ लगानी है। अब हमें इसकी आउटलाइन कर देनी है एक ब्लॉक बाहर लेकर, और वो एक ब्लॉक ऊपर होने वाला है। और ऐसे ही करके हमें पूरा जो एरिया है, जितना भी हमने स्लैब से एरिया बनाया है, उसे कवर कर देना है। और दोस्तों, हमारा जो वन ब्लॉक है वो जल्दी ही एंड होने वाला है क्योंकि हम जो है 10 में से 7 वेव में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि वन ब्लॉक ख़त्म होने के बाद हम नया वन ब्लॉक बनाएं या फिर इसी पर और मेहनत करें। दोस्तों, अब जो है हमें बिल्ड की सबसे मेन चीज़ बनानी है जो पूरे बिल्ड को चलाने वाली है। एक छोटा सा सिस्टम है जो हमारा पूरे बिल्ड को चलाएगा, उसे हम बिल्कुल सेंटर में बनाएंगे और उसको हम 3 ब्लॉक ऊपर कर देंगे। फिर उसमें हम दोनों तरफ 4-4 स्लैब लगा देंगे। दोस्तों, जो हमारा मेन ब्लॉक है, यानी कि जो हमारा सेंटर का ब्लॉक है, उसे हम एक ब्लॉक ऊपर ले जाएंगे और साइडों में 4 स्लैब लगा देंगे, और एक तरफ किसी एक तरफ हम और एक एक स्लैब और लगा देंगे। यानी कि ये 2 लाइन होने वाली है 10 ब्लॉक्स की, जिसमें हम एक ऐसा सिस्टम बनाने वाले हैं जो कि बस रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, रिपीट हो जाएगा। और दोस्तों, जब हमारा ये बेस बन के तैयार हो जाएगा जिस पे हम रेड स्टोन रिपीटर लगाने वाले हैं, तो सेम जैसा मैं लगा रहा हूँ रेड स्टोन रिपीटर, जैसे मैं लगाऊँगा सेम टू सेम आपको ऐसे ही लगा देना है, और यही डायरेक्शन होने वाली है।
और दोस्तों जब सारे रेडस्टोन रिपीटर लग जाए उसके बाद हमें जो हमने जो दो ब्लॉक छोड़े थे यानी कि दो स्लैब छोड़े थे उनके ऊपर हमें रेडस्टोन लगा देना है और ये जो है हमारा रिपीट होता जाएगा और पूरे जो हमारे बिल्ड को है चलाने वाला है। तो ये बिल्कुल सेम तरीके से बनने वाला है, इसमें थोड़ी सी भी गलती हो गई तो हमारा पूरा बिल्ड चलने के लिए मना कर देगा। अब दोस्तों हमें सबसे सड़ी हुई चीज़ करनी है यानी कि हमें ऑब्जर्वर्स बनाने के लिए नेदर में जाना पड़ेगा और नेदर में जाने के लिए हमें लावा लगेगा। मानने की बात है लावा के लिए, लावा अनलिमिटेड बनाने के लिए हमारे पास है जुगाड़ पर लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है और हमें वहाँ से नेदर क्वार्ट्ज़ लाने पड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है, आपके लिए ये थोड़ी सी भी देर नहीं रही है और मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है लावा कलेक्ट करने में क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो बकेट थी जिसमें एक बकेट मैंने आयरन फार्म में और एक बकेट हमने स्टोन जनरेटर में लगा रखा था। तो अब जो है हमने कलेक्ट करके ले आए हैं तो अब जो है हम अपना बिल्ड बनाना शुरू करते हैं और अब जो है हम जो बिल्ड बनाएंगे हम वहाँ पर ही क्रीपर जो है जितने भी क्रीपर हो गए वहीं पे स्पॉन हो गए। और दोस्तों हम जो है 10 लेयर्स का बनाने वाले हैं, आपकी मर्जी है आप कितने भी लेयर का बना सकते हैं, ये कितने भी लेयर का बन सकता है, चाहे तो इसे 2 लेयर का बना दो, 10 लेयर का बना दो या फिर 100 लेयर का बना दो, ये बराबर काम करेगा हर किसी के लिए। तो हमें दोस्तों ऊपर की तरफ फेस करता हुआ डिस्पेंसर लगाना है और उसके नीचे जो हमने पहले टॉर्च लगा रखी थी वो हमने तोड़ दी थी क्योंकि ये डिस्पेंसर लगता नहीं है ऐसे और अब हमने फिक्स करके लगा दिया है। तो हम यहाँ पे जो है हमने फालतू में लगाया था एक कोबल स्टोन इसे तोड़ लेंगे और वापस अपना कोबल स्टोन लगा लेंगे। और अब जो है हम इसके चारों तरफ 8-8 ब्लॉक की दूरी कर लेंगे और एक डिज़ाइन बनाएंगे यानी कि एक आड़े टाइप में डिज़ाइन रहता है जैसे कि वाटर जो वाटरफॉल रहता है ऐसे ही सेम हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो एक ये इसमें लगा हुआ है और हमें 7 ब्लॉक और लगाने हैं, टोटल मिला के हो जाएंगे हमारे 8 ब्लॉक। और दोस्तों ये एरिया सेम टू सेम इसी तरीके से बनने वाला है, इससे अगर हमने थोड़ा सा भी अलग डिज़ाइन बना दिया तो ये फॉर्म काम करने का नहीं रहेगा क्योंकि वाटर जितना भी फैलता है ये सेम टू सेम वही साइज रहेगा और वाटर इस पूरे एरिया में हो जाएगा जब इसमें हम वाटर डालेंगे। और दोस्तों ये जो हम लेयर बना रहे हैं ये चाहे हम कितनी भी बना ले ये सारी सेम टू सेम बनेगी और हम कितनी भी बना सकते हैं, जितनी हम बनाएंगे ये उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से फॉर्म काम करने वाला है क्योंकि इन्हीं के ऊपर मॉब स्पॉन हो गए और जितने ज़्यादा लेयर होगी उतने ही ज़्यादा एरिया में मॉब स्पॉन हो पाएंगे। तो दोस्तों मैं जल्दी जल्दी से इस वाले लेयर को कम्प्लीट करता हूँ और बनाता हूँ टेस्ट लेयर और जल्दी जल्दी करके। दोस्तों अब जो मैं सिस्टम बनाने वाला हूँ ये हर लेयर के बीच में बनना ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमारी जो है नेक्स्ट लेयर बन पाएगी। और दोस्तों जब ये इतनी लेयर बन जाए तो हमें सबसे नीचे वाला जो हमने बीच में कोबल स्टोन लगाया है उसे तोड़ देंगे और जो हमने ऊपर की तरफ डिस्पेंसर लगाया है वो सेम नीचे वाले डिस्पेंसर की तरफ निकलता रहेगा और जो ये हमने ऑब्जर्वर लगाया है इस पे ही हम जो है नीचे जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है सेम ऐसे स्ट्रक्चर इस पे बनाएंगे। तो मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ एंड टाइम में। दोस्तों सेकंड लेयर में सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ चेंज है कि जो हमारा नेक्स्ट लेयर जो बनने वाली है ये ऑब्जर्वर के ऊपर बनने वाली है क्योंकि होप डिस्पेंसर जो है हमारा वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा हर उसके हिसाब से, तो इसलिए ये ऑब्जर्वर के ऊपर बनेगा तो इसका भी साइज सेम रहेगा। तो मिलते हैं 10 लेयर्स बनाने के बाद। दोस्तों 10 लेयर्स हमने बना दी है, अब जो है हमें ये ट्रैप डोर लगाने हैं ऊपर की तरफ। जो हमारे क्रीपर का साइज होता है ये ना तो 1.5 ब्लॉक रहता है और ना ही ये
दो ब्लॉक रहता है, थोड़ा कम ब्लॉक हम कर देंगे। हमारा फेंस गेट यहाँ पे जब लग जाएगा तो यहाँ पे और कोई सा मॉब नहीं स्पॉन हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्रीपर ही स्पॉन हो पाएंगे, जिसकी वजह से यह हमारा क्रीपर फार्म बन पाएगा। तो सेम टू सेम ये ऐसे ही छत बन जानी है, इसके ऊपर ऐसे ही कवर कर देना है जैसे कि हमने स्टोन करा था। दोस्तों अब जो है हम लास्ट लेयर की फ्लोर बनाने वाले हैं, जो सबसे आखिरी फ्लोर होने वाली है। तो हमें यहाँ पे एक ब्लॉक ले लेना है और उसके ऊपर एक स्लैब लगा देना है, और ये स्लैब जो है हमारा सेंटर से लेके इतना बड़ा होना चाहिए कि हमारा जैसे 10 ब्लॉक हमने 10 लेयर बनाए हैं, तो हम इसकी लंबाई ले गए 20 की और ये स्क्वायर बनेगा पूरा का पूरा। और दोस्तों हम इसे पूरा का पूरा स्लैब से ढकने वाले हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो है हमारे 10 लेयर्स है और उसके बीच में एक एक ब्लॉक की जो दो दो ब्लॉक की गैप है वो सारी दूर हो जाएगी और उनके अंदर पूरा का पूरा अंधेरा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें क्रीपर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी की वजह से स्पॉन होने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों मिलते हैं पूरी की पूरी रूफ बनाने के बाद एंड में। और दोस्तों अब जो है हमें जितने भी डिस्पेंसर है हमें सभी के अंदर एक एक वाटर बकेट रख देनी है। जो हमारा मेन काम है वो हमारा वाटर बकेट से है, तो मैं सभी के अंदर एक एक वाटर बकेट डाल रहा हूँ। मैंने 10 लेयर बनाई है और उसके अंदर 10 डिस्पेंसर है, तो 10 के 10 के अंदर मैं जो हूँ वाटर बकेट भरने वाला हूँ। दोस्तों अब जो है हमें सबसे लास्ट के दो काम करने हैं, यानी कि मारने के लिए कैंप फायर लगानी है। जितने भी हमारे यहाँ पे होपर लग रहा है सभी के ऊपर हमें कैंप फायर लगानी है और एक स्विच लगाकर और स्विच ऑन करना है। तो मैं पूरी की पूरी गिन के लाया था 25 कैंप फायर, तो मैंने 25 की 25 लगा दी है। और अब हमें यहाँ से बस थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है, और जब ऊपर चढ़ जाए तो एक ब्लॉक लगाकर हमें जो है इस पूरे फार्म को कंप्लीट कर देना है। तो हमें यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना है और जल्दी से एक लीवर लगा के उसे स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर देना है। तो जल्दी से दो बार हमें दबाएंगे और ये हमारा फार्म चलना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर में यहाँ पर क्रीपर जो है गिरने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों हमारा फार्म जो है बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पर क्रीपर भी आ रहे हैं और स्पाइडर भी आ रही है। और अब जो है हमें यहाँ पर AFK करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा स्पॉन हो गया है। मैं यहाँ पे लगभग 10 मिनट AFK खड़ा हुआ और यहाँ पर इतना सारा हमारा जो है गन पाउडर और स्ट्रिंग जो है जमा हो गई है। और दोस्तों इस फार्म की एक बढ़िया बात ये भी है कि अगर हम थोड़ा दूर चले जाए तो ये फार्म फिर भी काम करता रहेगा, क्योंकि ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, ये बस ऐसे ही काम करता रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये फार्म बनाने की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी और ये फार्म भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, नए हो तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।